हेलो गाइस, इन्वेस्टमेंट ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कोटेक के अंदर चल रही एक बेस्ट स्कीम के बारे में फुल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर अगर हम महीने के महीने छोटा छोटा अमाउंट 500 रुपये, 1000 रुपये या 2000 रुपये या 5000 रुपये या उससे ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो ये आगे आने वाले टाइम में यानी 2 साल बाद, 5 साल बाद या 10 साल बाद या उससे ज़्यादा टाइम के बाद में हमें कितना पैसा वापस प्राप्त करा सकता है। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि अगर हमें एक ही साथ इस फंड के अंदर पैसा जमा करना हो तो कितना रिटर्न पर कितना हमें दोस्तों फंड बढ़कर मिल सकता है। तो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो के लास्ट में दोस्तों मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा जिसके थ्रू आप 1 से 1.5% का बेनिफिट जिस दिन से आप शुरू करते हैं फंड में इन्वेस्टमेंट उसी दिन से आप ले सकते हैं। साथ ही साथ कैलकुलेटर पर हम कैलकुलेट करके सारी कैलकुलेशन देखेंगे कि कितना अमाउंट इन्वेस्ट करने के बाद में हमें कितना अमाउंट वापस और बढ़कर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं जिस फंड के बारे में मैं बता रहा हूं ये है कोटेक का एक म्यूचुअल फंड जिसका नाम है कोटेक इमर्जिंग इक्विटी फंड। इसने ओवरऑल जब से ये फंड शुरू हुआ है और आज तक अगर हम बात करें तो इसने 21% के रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं। 5 साल का इसका रिटर्न लगभग 18% के आसपास है। 3 साल का इसका रिटर्न 20% से ज़्यादा है। 1 साल का इसका रिटर्न दोस्तों 63.28% है और पिछले 6 महीने में इसने 19.06% के रिटर्न दिए हैं और 1 महीने में दोस्तों -1% के रिटर्न दिए हैं। फ्रेंड्स, आप जब भी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग करें तो आपका व्यू 1 साल का या 2 साल का ना हो, ये बेहतर होगा कि आप एक लंबे व्यू के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। अगर आपको फिक्स रिटर्न वाली किसी स्कीम के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है तो आप FD या RD करा सकते हैं अपने पैसे की, जहां से आपको 5 से 6% का फिक्स रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको दोस्तों रिटर्न चाहिए 15% का, 20% का या उससे ज़्यादा, तो म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। और जितना ज़्यादा टाइम पीरियड आप अपने फंड को इन्वेस्ट करके रखेंगे उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। ये अभी आपको दोस्तों कैलकुलेटर पर कैलकुलेट जब हम करेंगे अच्छे से आइडिया हो जाएगा। तो चलिए इस फंड के बारे में और मैं आपको बेसिक जानकारी बता दूं। जैसे इस फंड की एक NAV 73 रुपीज़ 11 पैसे की है। साथ ही साथ इसकी जो रेटिंग है वो 4 रेटिंग है। म्यूचुअल फंड के अंदर रेटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों, तो 4 या 5 स्टार वाली रेटिंग आउट ऑफ 5 सबसे बेस्ट मानी जाती हैं। मिनिमम SIP आप इसके अंदर 500 रुपीज़ पर मंथ कर सकते हैं और मैक्सिमम आप जितना चाहें उतना कर सकते हैं। और अगर आप मान लीजिए FD की तरह एक ही साथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर आप एक साथ भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। मिनिमम आप लमसम या वन टाइम इन्वेस्टमेंट जिसको कहते हैं वो आप 5000 रुपये और मैक्सिमम जितना आप चाहें उतना कर सकते हैं, मतलब 5000 10000। कैलकुलेट करके देखें, मान लीजिए आप इस फंड के अंदर एक साथ 50000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये इन्वेस्टमेंट दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया है आप मिनिमम 5000 और मैक्सिमम आप जितना चाहें उतना कर सकते हैं, तो मैं एक 50000 रुपये का आइडियल अमाउंट लेकर चल रहा हूँ। और जैसे हमने दोस्तों अभी देखा है इस फंड का जो ओवरऑल रिटर्न है वो 21% से भी ज़्यादा का है। तो 21% से ज़्यादा हम नहीं लेते, हम दोस्तों 2% कम लेते हैं यानी हम 19% पर कैलकुलेट करते हैं। इसका मतलब यह है कि हम ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं दोस्तों, आई होप कि ये फंड हमें 21% से भी ज़्यादा का रिटर्न प्राप्त कराएं। लेकिन हम ये मानकर चल रहे हैं कि कोई बैड सिनेरियो अगर फंड को फेस करना पड़ गया, कोई बैड सिचुएशन फेस करनी पड़ गई, तो उस केस में अगर ये 1-2% रिटर्न कम भी दे तो वो 19% के आसपास अगर हमें रिटर्न देता है तो उसके अकॉर्डिंग 10 साल में जो हमने 50000 रुपये इन्वेस्ट किया है वो बढ़कर 284000 रुपये हो जाता है। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों 5 साल की, तो 5 साल में ये 50000 रुपये बढ़कर दोस्तों 119000 रुपये हो जाता है। 19% के रिटर्न के हिसाब से पूरे 4 साल के अंदर दोस्तों हमारा पैसा डबल हो जाता है, यानी 50000 की जगह 1,257 रुपये हो जाता है। जैसे जैसे हम टाइम पीरियड बढ़ाएंगे 10 साल में दोस्तों हमारा फंड बढ़कर हो रहा है 284000। लेकिन अगर हम 15 साल का कैलकुलेशन करें तो दोस्तों हमारा फंड बढ़कर हो रहा है 680000 रुपये के आसपास। और 20 साल में यही पैसा बढ़कर हो रहा है दोस्तों 16,21,000। तो जैसे जैसे लास्ट के टाइम में आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करके रखेंगे तो उतना ही ज़्यादा आपको कंपाउंड इफेक्ट का यानी चक्रवृद्धि ब्याज का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा अपने फंड की ग्रोथ में।
अब अगर हम इस 50,000 रुपये को 25 साल तक कंटिन्यू रख देते हैं और ये फंड हमें 19% का रिटर्न प्रोवाइड कराता रहता है, तो हमारा 50,000 रुपये का जो इन्वेस्टमेंट है वो 46 लाख रुपये में कन्वर्ट हो जाता है। वहीं 30 साल में हमारा 50,000 रुपये बढ़कर 92 लाख रुपये हो सकता है अगर ये 19% का हमें रिटर्न प्रोवाइड करा देता है ये फंड। तो ये तो बात हुई दोस्तों लमसम इन्वेस्टमेंट की, अगर आप एक साथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब अगर बात करें हम SIP की, तो SIP का मैं आपको 2000 रुपीज़ के ऊपर कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ। मिनिमम आप 500 रुपये और मैक्सिमम मंथली बेसिस पर आप जितना चाहें उतना इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसको भी हम ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं, मान लीजिए आप 2000 रुपये अगले 5 साल तक कंटिन्यू इन्वेस्ट करते हैं, तो 5 साल में 2000 रुपये प्रति महीने के इन्वेस्टमेंट से या 2000 रुपये की SIP के अकॉर्डिंग टोटल पैसा जो आप इन्वेस्ट करेंगे वो 1,20,000 रुपये होगा। लेकिन जो पैसा बढ़ेगा वो 81,000 रुपये बढ़ेगा और फाइनल जो आपके फंड की वैल्यू हो चुकी होगी वो 2,01,000 रुपये के आसपास हो चुकी होगी। ठीक इसी तरह से अगर हम 10 साल में देखें, तो 10 साल में टोटल जो इन्वेस्टमेंट हम 2000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से करेंगे वो कितना होगा दोस्तों, 2,40,000 रुपये का। लेकिन जो हमें एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिलेंगे वो 4,76,000 के होंगे और फाइनल अमाउंट जो हमने इन्वेस्ट किया 2,40,000, जो एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिले 4,76,000, इन दोनों को मिलाकर इसमें से टैक्स डिडक्ट करने के बाद में 7,16,000 रुपये का हमारा अमाउंट हो जाता है। ठीक इसी तरह से अगर हम 15 साल के पीरियड के लिए कैलकुलेट करें, तो 3,60,000 रुपये का हमारा इन्वेस्टमेंट होगा और 20,41,000 रुपये हमारे फंड की वैल्यू हो चुकी होगी। और 20 साल में टोटल पैसा 2,000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से हम 4,80,000 इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन जो फंड हो चुका होगा उस समय हमारा वो 54,39,000 रुपये के आसपास होगा। अब जैसे जैसे आप इस टाइम पीरियड को बढ़ाएंगे, वैसे वैसे दोस्तों आपका इन्वेस्टमेंट तो बहुत छोटा होगा, यानी 2000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से, लेकिन जो आपके फंड में ग्रोथ देखने को मिलेगी वो एक्सपोनेंशियली देखने को मिलेगी। अब दोस्तों आप इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं इस फंड के अंदर या किसी दूसरे फंड के अंदर, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक पर क्लिक करके आप अपस्टॉक के थ्रू भी कर सकते हैं, आप जीरोधा के थ्रू भी कर सकते हैं और आप ग्रो के थ्रू भी कर सकते हैं। तीनों के ही लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं, क्योंकि अगर आपको खुद से इन्वेस्ट करना है तो दोस्तों आपके पास में होना चाहिए एक डीमैट अकाउंट। ये डीमैट अकाउंट आप किसी भी तीनों प्लेटफॉर्म में से किसी के अंदर भी ओपन कर सकते हैं। ग्रो के अंदर इन्वेस्टमेंट फ्री में होता है, अपस्टॉक के अंदर दोस्तों 99 रुपीज़ रखते हैं अकाउंट ओपनिंग फीस, और जीरोधा के अंदर 200 प्लस GST लगते हैं अकाउंट ओपनिंग फीस। फ्यूचर में अगर आपका प्लान बने इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में करने का या कमोडिटीज़ में करने का, तो वो भी आप सेम ही प्लेटफॉर्म पर कर सकते हैं। आप अगर खुद से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है दोस्तों कि आपसे किसी भी तरह का कोई एजेंट कमीशन नहीं लिया जाता है। अगर आप किसी की हेल्प लेकर, चाहे कोटक बैंक में या SBI बैंक में, किसी भी बैंक में या किसी एजेंट के थ्रू अगर आप इस फंड को चुनते हैं या किसी भी फंड को चुनते हैं, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो रेगुलर मोड में होता है, जिससे आपको 1-1.5% का लॉस हो जाता है। और जब आप खुद से इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो कि कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, आपको सिंपल डीमैट अकाउंट ओपन करना है, उस फंड को सेलेक्ट करना है, अपने डीमैट अकाउंट से अपने नेट बैंकिंग को कनेक्ट करना है जिससे आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकें, जितना चाहेंगे आप उतना ही पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जितना चाहेंगे उतनी की SIP शुरू कर सकते हैं, टोटली कंट्रोल आपके हाथ में होता है। तो आप अपने खुद से डायरेक्ट मोड में इन्वेस्टमेंट करें, जिससे आपको सीधा सीधा 1-1.5% का लाभ उसी दिन से होना शुरू हो जाएगा जिस दिन से आपने इन्वेस्टमेंट किया है। और अगर आप किसी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको 1-1.5% का लॉस उसी दिन से शुरू होना हो जाएगा जब से आपने इन्वेस्टमेंट शुरू किया है। सो गाइस, सारी जानकारी आई होप मैंने आपको इस वीडियो में कवर कर दी है। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई क्वेरी हो, तो नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको जरूर दूंगा। धन्यवाद।